राजी बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज 5 जून है, 5 जून किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर और सभी जेजेपी और बीजेपी के विधायकों के आवासों पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया हुआ है, अपील की हुई है। हम खड़े हैं विनोद भ्याना, जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायक है। आप देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हैं और यहाँ बैरिकेड लगाकर, यानी कि पूरा पुलिस ने बंदोबस्त किया हुआ है कि उसकी कोठी पर कोई भी किसान यानी कि एंटर ना करे। यहाँ उनका आह्वान है कि तीनों कृषि विधेयकों को पत्तियां जलाई जाएंगी। हम दिखा रहे हैं ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं विनोद भ्याना जी की कोठी के सामने, जो कि बीजेपी के विधायक, और भारी पुलिस बल यहां तैनात की गई है। यहां पुलिस की वैन हम दिखाते हैं, उधर वाटर कैनन हमने दिखाई और ये पुलिस की गाड़ियां हैं और पुलिस की गार्ड यानी कि डिप्लॉय कर दी गई है। और सीधे हम आपको दिखा रहे हैं हांसी की आवाज़ पर कि विनोद भ्याना जी की कोठी को बिल्कुल कॉर्डन कर लिया है, पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है यहाँ पर। आइए अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं हम आपको कि ये बैरिकेड है, ये गेट निरंकारी रोड से होता हुआ भ्याना साहब की जो बैंक कॉलोनी के अंदर कोठी है वहाँ जाता है, और उसके सामने भी एक बैरिकेड लगाया हुआ है। हम आगे का दृश्य दिखाते हैं, आइए कोठी के पास लिए चलते हैं आपको, जहाँ कोठी के अंदर भी जो उनका हाल है वहाँ पर भी पुलिस डिप्लॉय की हुई है, कोने में भी एक पुलिसकर्मी बैठा है, तो चारों तरफ पुलिसकर्मी निगाहबान है। हम बता दें कि ये देखिएगा कि पुलिस की गार्ड यहाँ भ्याना साहब की कोठी के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ डिप्लॉय कर दी गई है। किसानों का आह्वान है आज 5 जून है कि तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी, और जो भी सत्तासीन विधायक हैं जिसमें बीजेपी भी आ गया, जेजेपी के भी विधायक आ गए, तो उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ हम दिखा रहे हैं दूर तक यानी कि आखिर कोने तक, एक रास्ता बैंक कॉलोनी से आता है और एक निरंकारी भवन से आता है, निरंकारी रोड से आता है, तो यहाँ पूरी की पूरी डिप्लॉय कर दी गई है। भ्याना साहब के जो आवास है, मुख्य ये आवास का हाल है, यहाँ भी पुलिस डिप्लॉय की गई है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि महिला पुलिस भी है और अन्य भी हैं यहाँ पर। एसपी साहब जो है विनोद शंकर जी यहाँ बैठे हैं और तैनात हैं अपने पुलिस बल के साथ, जैसा कि किसानों का आह्वान है। हम जानेंगे कि डीएसपी विनोद शंकर शर्मा जी से कि भी आज कैसे आपने भ्याना साहब की कोठी को कॉर्डन किया हुआ है, पुलिस द्वारा डिप्लॉय की हुई है इतनी मात्रा में, तो बताइए साहब। मेरे साथ हैं डीएसपी विनोद शंकर जी। आज किसानों ने आह्वान किया हुआ है कि जो बीजेपी और जेजेपी के विधायक हैं उनके निवास स्थानों के आसपास से कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी, उसको लेकर के लाइन ऑर्डर व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुलिस डिप्लॉय की गई। दोनों तरफ से बैरिकेड लगाए हुए हैं, आपने वाटर कैनन भी बुलाई हुई है और पुलिस की बड़ी बड़ी वैन भी हैं और काफी संख्या में पुलिस डिप्लॉय है यहाँ पर, और पूरे यानी कि अपने जैकेट के साथ, सेफ्टी जैकेट के साथ, हेलमेट के साथ और केन के साथ सभी पुलिस यहाँ डिप्लॉय है। तो क्या कोई आशंका है अप्रिय घटना की? नहीं, ऐसे कोई इनपुट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस को तो तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसे विनोद शंकर जी ने दो टूक बात की है कि इनपुट नहीं है इनके पास, लेकिन पुलिस हर संभव यह इस बात के लिए तदर्थ रहती है, तैयार रहती है भी किसी भी अप्रिय घटना ना हो। हम बता दें कि कई दिन से जो यानी 48 घंटे से वहाँ जाम लगा हुआ था, टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगाया हुआ था किसानों की गिरफ्तारी को लेकर, जो यानी कि रात को खोल दिया गया है, और अब किसान नेता टोहाना की तरफ अग्रसर हुए हैं, दो नेता चुन्नी और राकेश टिकैत, बाकी टोल प्लाजा से यहाँ आने का जैसे कि अपील की हुई है कि आज तीनों प्रतियां यहीं कोठी पर ही जलाई जाएंगी तीनों कृषि कानूनों की, इसलिए पुलिस तैनात की हुई है, कॉर्डन किया हुआ है पुलिस ने इस कोठी को। देखते रहिए एक रिपोर्ट, और जब जैसे ही यानी कि किसान यहाँ आते हैं तो हम वो लाइव आपको दिखाएंगे। फिलहाल कोठी को पुलिस ने बीजेपी विधायक विनोद भ्याना को एकदम से जैम पैक्ड किया हुआ है पुलिस की बंदोबस्त के लिए। देखते रहिए हांसी।